हाय गाइस, तो आज हम मराठी के 9th स्टैंडर्ड के मराठी का एक चैप्टर करने वाले हैं। इसका नाम है सखुआ जी। सखुआ जी यानी कि ग्रैंड मदर है, आजी यानी कि ग्रैंड मदर आपकी दादी जी, उसको मराठी में आजी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। स्टार्टिंग हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे। राजन गवस 1959, 1959 राजन गवस ये इसके लेखक है। इस लेसन के प्रसिद्ध कथा कादंबरीकार, कवि, समीक्षक, संशोधक, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, बहुत ही फेमस लेखक है ये, जो कि बहुत ही फेमस कादंबरी जो नॉवेल्स वगैरह होती है जो इन्होंने ये लिखी है। कवि, पोएट है ये। समीक्षक, संशोधक और साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको ये साहित्य अकादमी का उन्हें अवार्ड भी मिला है। भंडार भोग, धींगाणा, कळप, तनकट इत्यादि कादंबऱ्या, हुंदका काव्य संग्रह, काचक वड्या हा ललित गद्य संग्रह प्रसिद्ध आहे। ये कुछ इनके लिखे हुए कुछ कादंबरी वगैरह है, काव्य संग्रह और ललित गद्य, मतलब एक कॉमेडी जैसे उन्होंने लिखा है जो कि बहुत फेमस है। प्रसिद्ध पाठात सखुआजीच्या मनातील जुन्या नव्या जीवन मूल्यांविषयीचे भान, तिची प्रगतिशील दृष्टी, निर्णय क्षमता, माणसांवरचे प्रेम अतिशय सहजतेने व ओघवत्या शैलीत लेखकांनी वर्णन केले आहे। म्हणजे सखुआजी है जिन्होंने उसके मन में जो पुराने और नए जो उनकी उसकी जो जीवन मूल्य विषयांची, मतलब अपने जो लाइफ की जो वैल्यू है जो कि पुराने जनरेशन और न्यू जनरेशन को मिला के उसकी जो लाइफ की वैल्यू है उसको उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। किसी प्रगतिशीलता दृष्टि, प्रगतिशीलता यानी उसके डेवलपमेंट के लिए उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो हमेशा से उसकी जो खोज रही है। निर्णय क्षमता, उसकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता यानी कि उसकी डिसीजन मेकिंग। माणसावरचे प्रेम अतिशय सहजतेने व ओघवत्या शैलीत लेखकांनी वर्णन केले आहे, और उसकी हर एक इंसान के प्रति उसका जो प्यार है वो यहाँ पे वर्णन किया गया है। सखुआजी परवा वारली यानी कि सखुआजी जो है वो परसों के दिन एक्सपायर हो गई, वो दुनिया छोड़ के चली गई। ठीक है, ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतपत महत्वाची नसेल, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो। अब सखुआजी परसों मर गई, वो ऑफ हो गई, वो एक्सपायर हो गई, वो भगवान के पास चली गई, ये चीज़ शायद से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। महत्वाची यानी कि इंपॉर्टेंट, कदाचित सांगना इतपत, मतलब शायद से ये बोलने इतने इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है ये, कारण आपन कितेतरी मृत्यु रोज अनुभवत असतो, क्योंकि हम हर रोज किसी ना किसी के मरने की खबर हमारे कान पे आती ही रहती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो हर दिन किसी ना किसी की मौत की खबर सुनते ही है, इसलिए शायद से ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। मग सखुआजी मरण पावली याला विशेष महत्व काय? फिर सखुआजी मर गई, इसको स्पेशल इम्पोर्टेंस क्या है, इसका स्पेशल इम्पोर्टेंटली इसको क्यों बताया है? ऐसा प्रश्न कोण ही उपस्थित करू शकेल, ऐसा सवाल कोई भी पूछ सकता है कि उसमें क्या है, सब लोग मरते हैं, सबको इतने दिन जाना ही है, वैसे ही सखुआजी भी मर गई, तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है? या बाबत मला काही म्हणायचे नाही, और उसके ऊपर लेखक को कुछ कहना भी नहीं है, मतलब उसके पास उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तरी सखुआजीचा मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला, लेकिन फिर भी सखुआजी की जो मौत है वो उन्हें बहुत ही डीपली खोलवर यानी कि बहुत ही डीपली उन्हें हर्ट हुआ वो उन्हें। जब कोई अपना मरता है, जब हमारा कोई अपना एक्सपायर होता है, तो हमें भी बहुत ही डीपली उसका हर्ट होता है, बहुत उसका गहरा एहसास होता है हमें भी। आपलं असं काही हरवलं असं मला आजही वाटतंय, उसे लग रहा है कि जैसे कि मेरा कुछ तो गुम हो गया है, हरोल यानी कि मिसिंग है, मेरी कोई तो चीज़ जो है वो गुम हो गई है अभी, ऐसा उसे लगता है। माझ्या जगण्यातलं एक शुभ्र निरभ्र काही संपलं अशी एक पोकळी वाटते, उसके जीने में से जो एक एक वजह है, मतलब जो वजह नहीं लेकिन एक जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो अभी ख़त्म हो गया है, जो उसके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो इसे कह सकते हैं हम कि रोज उसके लाइफ के एक रोज का उसको शायद से वाजी कम उसका मिलना जुलना था आजी से, इसलिए वो कहता है कि शायद से वो एक गुम हो गया है, एक पोकड़ी वाटते, पोकड़ी यानी कि मिसिंग,
पोखरियाने भी वहाँ पे एक उसके खालीपन उसका जो है वो उसे महसूस होता है। कोण सखुआजी माझी कोण लागत होती थी, कोणीच नहीं। वो कहता है सखुआजी कौन है और मेरी वो क्या वो कोई रिलेटिव थी वो मेरी की दोस्त थी, कौन थी वो मेरी। तो वो कहता है कोई भी नहीं, वो मेरी कोई भी नहीं थी, ना माझ्या जातीची ना पातीची, पण तरीही ती माझ्या जवळची होती। वो कहता है ना ही वो मेरी जात की थी, ना ही वो मेरे रिलीजन की थी, ना कुछ थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही मेरे क्लोज थी, जवळची यानी बहुत मेरी क्लोज थी वो। ऐसे होता है ना, हमारे भी जो दोस्त होते हैं वह ज़रूरी नहीं कि वो हमारे रिलीजन के ही हो, सेम रिलीजन के हो, वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे दोस्त तो होते ही है, क्योंकि दोस्ती करने टाइम हम सोचते नहीं कि वो कौन से रिलीजन है तेरा, बराबर। और जो हमारा दोस्त होता है वो हमें बहुत ही क्लोज होता है। तो वैसे ये भी कहता है कि आजी जो है वो उसकी जात की नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत क्लोज थी उससे। रक्ताच्या माणसा इतकीच, मतलब जो होते ना हमारे खून के रिश्ते जितने इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे ही वो आजी भी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, वैसे ही उनका कुछ रिलेशन था। सखू आजीचं वय वर्षे 90, सखू आजी जो है वो 90 इयर्स की थी, 90 यानी कि 90। हातात काठी, उसके हाथ में जो है हमेशा काठी रहती थी। आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं आप, आजी देखिए यहाँ पे कैसे उसने हाथ पे स्ट्रिप पकड़ी है, ठीक है। वाकून कमान झालेलं शरीर, मतलब पूरा उसका जो शरीर है, पूरी उसकी बॉडी है वो पूरी तरह से बेंड हो चुकी थी, काम कर करके उसकी जो बॉडी है वो अभी बिल्कुल बेंड हो चुकी थी। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं कैसी उसकी बॉडी, देखिए कैसी एकदम उसकी बेंड हो गई है। आपने देखा रहेगा जो ओल्ड लोग होते हैं, जो एज लोग होते हैं, उनकी बॉडी जो है ज़्यादा करके उनकी लोगों की ऐसी झुक जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। चेहरा सुरकुत्यांनी भरलेला, सुरकुत्या यानी जो चेहरे पे जो आते हैं ना लाइन्स आते हैं तो उसे सुरकुत्या कहते हैं, एज के साथ वो आते हैं लाइन्स आपके चेहरे पे तो उसे सुरकुत्या कहते हैं। सखू आजी गल्लीतून जाताना कोणी सहज म्हटलं, आजी कुठे चाललीस, तर लगेच उत्तर, कुठं जाते बाबा, मतलब अगर वो किसी गली में से वो गुजर रही है, अगर जो आजी है वो अगर वो किसी भी गली में से जा रही होगी और अगर किसी ने उसे पूछा कि किधर जा रही है तू, तो जल्दी से जवाब देती थी। अब क्या देती थी देखते हैं हम, कुठं जाते बाबा, म्हातारा माणूस हाडं गेली वड्याला, बघा माझ्या मड्याला, मतलब वो कहती है किधर जाएगा मैं किधर जाऊंगी अभी, मैं म्हातारा माणूस मतलब मैं तो अभी बुढ़ी हो गई हूँ, अभी कहाँ पे घूमने वगैरह जाऊंगी। हाडं गेली वड्याला मतलब हाडं जो है मेरी जो बोन्स जो है वो तो अभी पानी में निकल गई, मतलब देखा रहेगा ना जो मरने के बाद इंसान को जलाते हैं और उसकी जो ऐश होती है, उसकी जो राख होती है वो पानी में डालते हैं, बराबर। तो वैसे ही वो बोलती है हाडं गेली वड्याला, बघा माझ्या मड्याला, मतलब मेरी हड्डी आ गई पानी में और देखो मेरी बॉडी को, मड्याला मतलब मेरी जो शरीर है उसको देखो, मेरे बॉडी को देखो कैसी है, मेरी बॉडी एकदम वीक हो गई है, तो मैं अब कहाँ पर जाऊँगी, ऐसे वो बोलती है। म्हातारी काय बोलते हे सगळ्यांना समजायचं असं नाही, मतलब जो बुढ़ी जो औरत है वो क्या बोलती थी वो हमेशा सबको समझ में आता ही है ऐसा नहीं, पण प्रत्येक जन तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतो, लेकिन हर एक जन जो है वो हर एक उसको उससे बोलने को ट्राई करता है, मतलब वो जो बोलती है वो कुछ तो कुछ समझता नहीं है लोगों को, क्योंकि बुढ़े लोग भी आपने भी देखा रहेगा जो बुढ़े लोग होते हैं वो हमेशा अपने ही दुनिया में होते हैं, वो हमेशा खुद से कुछ बात कर वगैरह करते रहते हैं। तो वैसे ही ये आजी भी है, वो कुछ बोलती है तो कुछ किसी को समझ में ही नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग उससे बात करने को आते हैं। म्हातारी प्रत्येकाशी बोलते, और जो औरत है बुढ़ी औरत जो है वाजी वो भी सब लोगों से बोलती है। मला सखुआजी नेहमीच एक कविता वाटते, उसको जो लेखक जो है उनको सखुआजी हमेशा से ही एक पोयम लगती है। ती कवितेत बोलते, वो पोयम में ही बात करती है, जैसे आपने यहाँ पे भी देखा रहेगा कुठे जाते बाबा, म्हातारा माणूस हाडं गेली वड्याला, बघा माझ्या मड्याला, हमेशा वो रायमिंग करके पोयम में ही बात करती है वो, तो वैसे यहाँ पे भी बोला है ती कवितेत बोलते, मतलब वो हमेशा कवि पोयम में ही बात करती है। कवितेत जगते, और हमेशा कविता में ही उसका जीवन भी उसका कविता में भी है, कविता में ही है। तिचे इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडेच दिसलं नाही, मतलब उसके जितना इतना भाषा में ज्ञान, इतना उसको इन्फॉर्मेशन है उसको हर एक चीज़ की, और इतना मैंने इंटेलिजेंट इंसान मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, जिसको हर एक प्रॉब्लम का उसके पास सोल्यूशन होता है, ऐसा इंसान उसने कहीं पर भी नहीं देखा।
सखू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची। मतलब वो कहते हैं अगर सखू आजी ने कुछ भी उसके मुँह से निकला तो वो बस कविता ही निकलती थी उसके मुँह से। म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठे निघालीस मारायला? मुझे कुणी म्हटलं, मतलब अगर किसी ने उसको पूछा कि चुपचाप घर पे बैठने का इस उम्र में, तो कहाँ पे जा रही है अब मरने को, ऐसा अगर किसी ने कहा तो वो क्या बोलती देखते हैं। तर ती लगेच म्हणायची, मरण लोकाला शरण दिक्काला, माझं कपाळ भरलं आभाळ, मरलं माणूस झिजलं काणूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची। हे सगळं ती झुळून बोलायची असं नाही, पण ती बोलायला लागली की आपोआप तिच्या तोंडातून ते बाहेर यायचं। तो ऐसा कुछ वो कविता कहती थी जो किसी को भी समझ में नहीं आती थी, ठीक है। हे सगळं ती जुळून बोलायची नसत, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो घर पे ही वो सब ऐसी सब कविता बनाती थी और फिर बाहर आते लोगों को सुनाती थी, ऐसा नहीं है। पण ती बोलायला लागली की आपोआप तिच्या तोंडातून ते बाहेर पण ती बोलायला लागली की आपोआप तिच्या तोंडातून बाहेर यायचं। लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करती थी तब वो बस उसके मुँह से एक फ्लो में निकल जाता था सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सोच के कुछ बोलती थी वगैरह, लेकिन जब एक बार उसने बोलना स्टार्ट कर दिया तो बस उसके मुँह से वो कविता ही निकलती थी जो किसी को भी समझ में नहीं आती थी। तिच्याशी बोलताना एक अवर्णीय आनंद मिळायचा, मतलब उसके साथ जब बात करते थे तब एक अलग सा अवर्णीय, मतलब जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसी खुशी मिलती थी लेखक को। लहानपणी शाळेला जाता जाता आजी आम्हाला गोळा करून बसायची। बचपन में लहानपणी, मतलब बचपन में जब लेखक जो स्कूल जाते थे तब आजी उन्हें सबको उन सब बच्चों को अपने पास जमा गोळा यानी कि जमा करके बैठती थी स्कूल जाने के पहले। शेतातल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची, शेतातल्या शेत यानी कि फार्म, जो फार्म में जो भगवान है, वो कहती थी कि फार्म में एक भगवान है और वो बच्चों को उसकी स्टोरी सुनाती थी। आजी की गोष्ट कभी कभी आठौड़ा आठौड़ा चालायची, मतलब कभी कभी तो आजी की जो स्टोरी है वो कभी कभी आठौड़ा आठौड़ा या आठौड़ा मतलब हफ्ते भर चलती थी। मतलब आज एक घंटा एक कहानी सुन ली, फिर कल जो बची हुई कहानी है वो कल सुन ली एक घंटा, फिर परसों, ऐसे करते करते एक स्टोरी ख़त्म होने के लिए एक हफ्ता लग जाता था कभी कभी। शाळेला जाताना काही वेळ, शाळेहून येताना काही वेळ, मतलब स्कूल में जाने के पहले कुछ टाइम कहानी सुनते थे, फिर बाद में स्कूल से आने के बाद भी कुछ थोड़े टाइम कहानी सुनते थे। असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा, ऐसा वो फिक्स हुआ था, ऐसा वो प्रोग्राम फिक्स हुआ था कि स्कूल छूटने के बाद जाना है और स्कूल आने के पहले भी कहानी सुनने को जाना है आजी के पास। एकदा आजी ने एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली, एक बार आजी ने एक स्टोरी स्टार्ट किया और ऐसे ही खत्म भी कर दिया। पण ती माझ्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळली, लेकिन वो जो स्टोरी है वो लेखक के मन में दीर्घकाळ यानी बहुत वक्त के लिए उनके मन में थी, रेंगाळली यानी बहुत टाइम के लिए उनके मन में वो स्टोरी चल रही थी। आजी म्हणाली, शेतात एक साप होता, त्याचा माणूस झाला, त्याला पंख फुटले। आजी ने उन्हें कहा कि शेत में फार्म में, शेत यानी फार्म में एक इंसान था, एक सांप था फार्म में, जो है एक सांप था जो बाद में इंसान बन गया और बाद में उसके पंख यानी उसके फेदर्स, उसके पंख आ गए, ठीक है। तो समुद्रावर गेला, चार तप तपश्चर्या के लिए और फिर उसने चार और फिर वो क्या किया उसने फिर वो समुंदर में चला गया। उसको जब पंख आए फिर वो समुंदर में चला गया और फिर उसने तपश्चर्या यानी कि तब उसने फिर मेडिटेशन किया, ठीक है, समुद्र में जाके परत आला, त्याचा बैल झाला, फिर वो समुद्र से फिर से आया, फिर उसका बैल बन गया। बैल यानी मालूम है आपको बैल क्या होता है, तो फिर उसका वो इंसान से वो बैल बन गया। अभी फिर खांदा मरला, नांगर झुंपला, मतलब उसका जो शोल्डर है वो पूरी वो मिट्टी में खराब हो गया उसका शोल्डर बैल का, और उसके ऊपर उसने नांगर चढ़ा लिया, नांगर झुंपला। फाड़ाला नांगन डसली, फाड़ाला मतलब जो बैल है उसको नागिन ने डस लिया। बैलाची दातकुड़ी बसली, मतलब बैल के जो दांत है वो बैठ गए। जब दातकुड़ी मतलब जब फीट आती है, जब किसी को फीट वगैरह आती है ना, तब दांत ऐसे बैठ जाती है, एकदम जम जाते हैं दांत एक दूसरे को, तो ऐसे उस बैल के भी दांत जम गए जब उसको नागिन ने डस लिया। नांगराची नदी झाली, फिर बैल के ऊपर जो नांगर था उसकी नदी हो गई, मतलब वो पानी बन गया, वो नांगर है उसका पानी हो गया।
बैलाला आंघोळ घातली और उस नांगर ने उस बैल को स्नान कराया। आंघोळ यानी कि बात करना, बात यानी कि स्नान कर दिया, पानी उसका जो पानी हो गया नांगर का, जो बैल के ऊपर जो नांगर था उसका पानी हो गया, फिर वो पानी पूरा बैल के ऊपर आ गया और उसने उसको स्नान कराया बैल को। त्याचा साप झाला, नागिणीला येऊन घेऊन पळाला। मग जो बैल था वो उसका क्या हो गया, उसका भी वो भी साप बन गया और नागिणीला जो उसको नागिन ने डसा था वो नागिन को लेके भाग गया। हे सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, हातांच्या हालचाली या साऱ्यांतून हे सारं आपल्या समोर घडत आहे। मतलब जो उसका नागिन को लेके भाग गया, फिर हे सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, जो आजी के जो फेस एक्सप्रेशन है, भाव यानी कि एक्सप्रेशंस, हातांच्या हालचाली उसके जो हाथों की जो मूवमेंट है, या साऱ्यांतून हे सारं आपल्या समोर घडत आहे, आपण पाहत आहोत असं वाटून अंगावर शहारे यायचे। मतलब ये सब देख के आजी की जो एक्टिंग है, जो उसके एक्सप्रेशन, उसके हैंड मूवमेंट्स वगैरह देख के ऐसा लगता था बच्चों को कि ये सब अपने सामने ही हो रहा है। मतलब कुछ इस प्रकार आजी सबको डिस्क्राइब करती थी उसकी स्टोरी, असा वाटून अंगावर शहारे यायचे। मतलब ऐसे सब सुन के शरीर में सब से गूस बम्स आते थे, गूस बम्स की ऐसा लगता था कि सच में सामने ही हो रहा है अपने। ही गोष्ट ऐकल्यानंतर कित्येक दिवस ही गोष्ट माझ्या स्वप्नात जशीच्या तशी। मतलब ये बात सुनने के बाद लेखक के जो सपने में ही गोष्ट ऐकल्यानंतर कित्येक दिवस ही गोष्ट आपल्या स्वप्नात जशीच्या तशी घडायची। फिर ये जो बात वो सब सुनता था तब लेखक के हमेशा मन में भी वही बात चलती थी, बार बार यही स्टोरी चलती थी और उसके वजह से कई दिनों तक उसके सपने में, मतलब सपना यानी ड्रीम में, उसके सपने में भी यही चीज़ हमेशा आती थी। बैल आंघोळ करायला लागला कि डोळे टक्क उघडे पडायचे और बैल और जो बैल है उसको जब वो स्नान करता था तब लेखक के आँख जो है अचानक से खुल जाते थे। तिथून पुढे झोपच लागायची नाही और उसके आगे फिर उसको नींद ही नहीं आती थी जब वो सपने में ये सब देखता था। कधीतरी आपल्या स्वप्नातला साप नागिन घेऊन जाईल आणि आपल्याला हे स्वप्न पडायचं बंद होईल असं वाटायचं। कभी कभी उसे लगता था कि अपने उसके सपने में जो साप है वो नागिन लेके भाग जाएगा और वहीं पर स्टोरी भी खत्म हो जाएगी और फिर वो सपना आना भी बंद हो जाएगा, ऐसे उसे लगता था। पण कई वर्षात असं कधी घडलं नाही। पण कई वर्ष मतलब ऐसे कितने सालों में, कई वर्ष यानी ऐसे कितने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ही कथा कभी अचानक स्वप्नात येतेच। मतलब ये जो स्टोरी है वो कभी ना कभी अचानक से यानी सडनली सपने में आती ही थी कभी ना कभी। आजी ने कई गोष्टी सांगितल्या पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे। मतलब जो आजी ने बहुत सारी स्टोरियाँ बताई थी लेकिन फिर भी वो ये एक ही स्टोरी है जो उसके मेंदू यानी उसके ब्रेन में रुतुम बसली यानी एकदम फिक्स बैठ गई उसके दिमाग में। हा प्रश्न अनुत्तरित यानी उसका कोई रिप्लाई नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है इस बात का। त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारला होता तर ती फक्त हसायची। उसके बाद जब लेखक ने आजी को ये सवाल पूछा था कि भाई ऐसा क्यों होता है मेरे साथ आजी, तो वो सिर्फ हंसती थी। आजी क्या करती थी, सिर्फ हंसती थी। मधेच एकदम म्हणाली, गाव गर्तीला सपान धरतीला, धरती दुबाकली माती हरकली। आता हे कोणाला करणार, नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नाही। मतलब जो जब फिर एक बार आजी ने क्या बोला, उसको कविता सुनाई उसकी एक कविता थी, वो तो हमेशा कविता में ही बात करती थी, तो वैसे उसने फिर से एक बार कविता सुनाई। अतः हे कोणाला करणार, फिर ये कविता किसको समझ में आने वाली थी, क्योंकि वो जो आजी बोलती थी वो तो किसी को भी समझ में नहीं आता था। नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नाही, फिर बाद में उन्होंने आजी को कुछ भी फिर से पूछा ही नहीं। सखू आजी गावातल्या कोणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मैताला हटकून पुढे असायची। मतलब आजी जो है वो गाँव में किसी का भी बारसा यानी जो नामकरण है नामकरण, वो या फिर लग्न शादी मैताला यानी अगर कोई मर गया रहेगा गांव में तो हटकुन फुड़े असायची। हटकुन मतलब बिना सोचे वो हमेशा आगे रहती थी किसी भी काम के, अच्छे काम में या बुरे काम में आजी हमेशा आगे रहती थी। सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं और सब कुछ उसके जैसे वो बोलती थी सब कुछ उसके हिसाब से ही चलता था। तिच्या शब्दाला चॅलेंज नसायचं, वो कुछ भी बोलेगी तो उसको कोई भी चॅलेंज करने वाला नहीं था। गावातल्या बापय माणसात
ती एकदम बराबरी ने वावरायची, मतलब गांव के जो भी मेन लोग है सरपंच वगैरह वो उनके कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा रहती थी। एकदा गावाच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली, एकदा गाँव में क्या हुआ जत्रा, जत्रा यानी कि जो मेला होता है वो फिक्स हुआ, इड पडलं चाकबंदी झाली, अशात गावातली वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही असा नियम। इड पडलं, इड यानी कि सुपारी, जो पान के ऊपर जो सुपारी रखते हैं ना, आपने देखा रहेगा भगवान के लिए हिंदू लोगों में रखते हैं पान के ऊपर जो सुपारी रखते हैं, तो वो जो इड इड यानी जो सुपारी है वो नीचे गिर गई और उसको बहुत ही अपशकुन माना जाता है। तो वही कहा है कि इड़ पड़ने मतलब वो जो सुपारी है वो गिर गया नीचे और चाकबंदी थाली यानी कि गांव में कोई भी ट्रैवलिंग वगैरह सब बंद कर दिया गया, बाहर का लोग अंदर नहीं जा सकते और बाहर के और अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। अशायद गांवातली वस्तु बाहर जाऊ जायची नहीं ऐसा नियम, मतलब फिर तभी नियम बनाया, रूल बनाया कि गाँव की कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। अशायद सातबा घोरपड़ाचा पोरगा वावग वागला, और उतने में ही सातबा सातबा घार घोरपड़े, ये नाम है सातबा घोरपड़े, उसका जो पोरगा मतलब उसका जो बेटा है वो उसने एकदम अलग से बिहेव किया, वागव वावला यानी वाउग वागला यानी कि उसने एकदम अलग से बिहेव किया, मतलब शायद से वो नियम तोड़ के शायद से वो बाहर वगैरह गया रहेगा, ठीक है। गांव बैठक बसली, गांव की जो बैठक है गांव सरपंच वगैरह मीटिंग जो बिठाते हैं वो बैठ गई। पंच म्हणाले रिवाजानुसार सातबाच्या पोराला दंड कराच, पंच जो है जो रूल बनाते हैं सरपंच जो होते हैं पंच सरपंच, उन्होंने बताया कि रिवाज के हिसाब से अब इसके जो सातबा का जो बेटा है उसको दंड मतलब उसको कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। सगैंने माना डोलावल्या और सबने अपनी मुंडी भी हिलाई कि हाँ भाई बराबर है, निर्णय फाइनल, और निर्णय को उस जो डिसीजन है उसको फाइनल भी कर दिया। एवढ्यात म्हातारी उठली, लेकिन तभी जो आजी है उसने वो उठ गई, वो खड़ी हो गई, म्हणाली पोरग मांडीवर घाण करते म्हणून मांडी कापता हुए। वो कहती है अगर छोटा बच्चा जो होता है जो छोटा लड़का होता है अगर वो अपने मांडी पे अगर अपने लैप पे अपनी जो थाइस होती है अगर वो उस पे गंदा कर दे तो क्या हम अपनी मांडी काप देते हैं, तो क्या हम हमारा लैप जो हमारा थाई होता है क्या हम उसे काट देते हैं। सगे टाड़ा पगड़ून भगाए लागले, सगे टाड़ा पगड़ून भगाए लागले मतलब सब लोग जो है अपना सर पकड़ के देखते रह गए। बोलायचं काय, शेवटी सगे उठले, फिर आगे आजी के आगे कौन क्या बोलेगा, फिर आखिर में सब लोग उठ गए, आपापल्या घराच्या वाटेला लागले, सब लोग अपने अपने घर की ओर चल पड़े। सातबाच्या पुराला कोणीच काही बोललं नाही, और सातबा का जो बेटा है उसको आखिर में कोई भी कुछ नहीं बोला क्योंकि आजी के वर्ड को कोई भी चैलेंज था ही नहीं गाँव में। म्हातारीची गावाला भीति होती, सब लोग म्हातारी से डरते थे, भीति मतलब फियर था म्हातारी का गाँव को। एकदा सखुआजी गावातल्या आया बाया गोळा करून माझ्या घरात आली। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सखुआजी जो है वो गांव के सभी आया बाया मतलब गांव के सभी जो लेडीज है उनको जमा करके लेखक के घर पे आ गई। तेव्हा तेव्हा मी कॉलेजात होतो, तेव्हा लेखक कॉलेज में थे। आमच्या भागात तेव्हा प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होते, उनकी एरिया में प्रौढ साक्षरता मतलब जो बुढ़े लोग होते हैं, प्रौढ़ मतलब बुढ़े लोग एज लोग होते हैं उनको साक्षर यानी उनको लिटरेट करने का जो क्लास था वो बहुत ही जोरों से वो काम चल रहा था कि जो एज लोग हैं जो बड़े लोग हैं उनको लिटरेट करना, वो जो मिशन था वो बहुत ही जोरों से चल रहा था। पर हमसे गावात एक ही चालत नहीं, लेकिन उनके गांव में जो है वो एक भी वैसा कोई भी क्लास चल नहीं रहा था। म्हातारी सगळ्या आया बायांच्या समोर म्हणाली आमचं पोरगं एवढं काय काय शिकलंय, आपल्याला दुसऱ्या मास्तर कशाला पाहिजे। तभी आजी ने क्या बोला सभी औरतों के सामने कि हमारा जो लड़का है हमारे गांव का जो लड़का है वो इतना सब कुछ सीखा है तो हमें कोई किसी भी दूसरे मास्टर यानी कोई भी हमें दूसरे टीचर की क्या ज़रूरत है, तू शिकव रहा हमारा, वो कहती है कि तू ही हमको सिखा। सखू आजी 15 दिवसात वाचायला शिकली, सखू आजी जो है वो 15 दिनों में ही रीड करने को सीख गई। सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली, और उसने ऐसा नहीं कि खुद ही सीख के वो रुक गई, उसने गांव के सभी औरतों को सिखाना भी चालू कर दिया। त्यावेळी आमच्या गावाला आमच्या गावचा सरपंच अंगठेवाला होता, और उस टाइम उनके जो गांव का सरपंच है वो अंगठेवाला यानी कि वो अंगूठा छाप समझते हैं सबको कि जिसको सिग्नेचर करने नहीं आता जिसको लिखने नहीं आता जो अंगूठा लगाते हैं, तो वैसा था वो बस अंगूठा छाप था। त्याला तिनं चावडीतच गाठला मतलब उसने उसे कोने में पकड़ ही लिया,
ठीक है, आठवड्यात सही पूर्ता साक्षर किया और हफ्ते भर में उसने सही सही यानी कि साइन जो कुछ कहते हैं साइन सिग्नेचर सिग्नेचर करने का उसको सिखा ही दिया हफ्ते भर में ही। आमच्या गावाला चोपड़ा यांचा पोरगा पहिल्यांदा पोलीस झाला। आमच्या गावातला चोपड़ा आमच्या उनके गाँव में जो चोपड़ा नाम का जो व्यक्ति था उनका बेटा पहली बार पोलीस बन गया। म्हातारीने गावच्या बाया गोळा करून त्याला ड्रेसवर ओवाळलं। म्हातारीने जो आजी है उन्होंने उसने गाँव की सारी लेडीज़ को इकट्ठा किया और उसको ड्रेस पर मतलब पुलिस के वर्दी पे उसे ओवाळलं। ओवाळले ने उसकी जो थाली वगैरह लेके उसकी पूजा की। उसकी दही साखरे ने तोंड गोड़ के लिए दही साखर दिखाया था ना किसी भी शुभ काम के जाने के पहले दही और चीनी खानी चाहिए तो वैसे उन्होंने भी दही साखर से उसका मुंह मीठा किया। गांव म्हणजे म्हातारीचं गोतावळा। गांव मतलब म्हातारी की फॅमिली गोतावळा यानी सब कुछ है गांव म्हातारी के लिए। तिला गावातल्या सगळ्या लहान थोरांमध्ये आपलं घर दिसायचं। उसको गांव के सभी बड़े छोटे लोगों में अपना घर दिखता था। सखू आजी शिकली सवरली असती शहरात जन्मली असती तर कुठल्या कुठे पोचली असती। लेखक कहते हैं अगर सखू आजी अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती अगर उसने सिटी में जन्म लिया होता तो आज वो कहीं और ही मतलब बड़े दर्जे पे होती आज वो। इतकी प्रचंड बुद्धि तिला लाभली होती। इतकी इंटेलिजेंस उसको मिला था। इतनी अच्छी उसकी ब्रेन की पावर थी पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं। लेकिन वो उसके नसीब में नहीं था म्हणून काही बिघडलं नव्हतं। लेकिन उसके वजह से कुछ बिगड़ा भी नहीं था। तिने सगळं तिच्या हयातील काबीज केलं होतं। मतलब उसने जब कभी हयात मतलब जब भी वो जिंदा थी जब तक वो जिंदा थी तब तक उसने सब कुछ अपने काबिज में कर लिया था। सखू आजी मरण पावली। लहान पोरांपासून म्हाताऱ्या थोऱ्यां म्हाताऱ्या कोताऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या डोळ्यातून पाणी आलं। गाँव पोरकं झालं। सखू आजी मर गई और जो भी छोटा लड़का या फिर बड़े लोग है सबके आँखों में से पानी आ गया। गाँव पोरक यानी गाँव जो है वो लावारिस हो गया आज। ठीक है अनाथ हो गया गाँव। आता फक्त आजीच्या दंतकथा घडलेल्या न घडलेल्या मतलब अभी क्या बचा है सिर्फ अभी सिर्फ आजी की जो मेमोरीज बची है उसकी जो कथाएं है जो उसने कही हुई कहानियां है सिर्फ वो बची है। अभी घडलेल्या न घडलेल्या मतलब जो हुई है या फिर नहीं भी हुई है सच या झूठ जो भी उसकी कहानी है अब सिर्फ वो बची है। प्रत्येक गावात अशी एक आजी गावचा गोतावळा सांभाळून गेलेलीच असते। मतलब हर एक गाँव में ऐसी कोई ना कोई आजी रहती ही है जो पूरे गाँव को अपनी फैमिली समझ के बैठी रहती है। आता गाँव गाड़ा बदलला मतलब अभी जो गाँव के जो नियम है जो रूल्स है वो सब बदल गए है। आजीला जागाच उरली नाही। अब आजी के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। अब कोई भी उसे याद नहीं करता। अड़चन फक्त उद्याच्या मुलांची। अब जो भी कुछ अड़चन है उसे अभी कल के फ्यूचर के जनरेशन की है। त्यांनी अशा आजीची आठवण कुठली कुठली सांगायची। मतलब वो कहता है फ्यूचर जनरेशन को अब फ्यूचर जनरेशन जो है वो अभी कौन सी किस कौन से आजी की आठवण कौन से आजी की मेमोरीज याद आएगी उन्हें। ठीक है तो ऐसा ये लेसन था। बहुत ही ईजी लेसन था और इंटरेस्टिंग भी था। ये देख सकते हैं सखू आजी तो ऐसी हर एक के पास कोई ना कोई आजी रहती है। लेखक कहते हैं हर एक गाँव में कोई ना कोई ऐसी आजी रहती है जो पूरे गाँव को अपनी फैमिली समझ के बैठी रहती है। सो आई होप आपको ये लेसन बहुत ही ईजी लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।